अब उनका भाई है, इतना चमत्कार, जब उनके पास चमत्कार है, बालाजी का आशीर्वाद, इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम भाई की तो छुड़वा रहे, दुनिया की छोड़ रहे हैं। हाँ तो छुड़वा तो दिया उन्होंने, नहीं हम जेल से छुड़वाने की बात नहीं कर रहे, हम दारू छुड़वाने की बात कर रहे हैं। जी बात मानी आपकी, मान रही है इस बात को, इस बात को मानते हैं आपकी। सोने ये तुरंत बोली छुड़वा दिया, तो ये सही बात है कि कोई अपराध करता है वो एक दिन में सुबह उसकी मतलब तारीख शाम को बेल हो जाए उसकी। नहीं जी गलत है, नहीं है जी गलत है। अभी विवाद हुआ था, जीवन शास्त्री के भाई है छोटे, उनके हाथ में कट्टा था और लहरा रहे थे वो, उस पर क्या कहना, शास्त्री चमत्कार करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको सही करते हैं। दलित लड़की की शादी थी, पिस्टल फायर किए थे, अब बताइए अगर सबकी समस्या सुन रहे हैं, अपने भाई को भी बदल लेते, बदनामी ना होती। जब कलश यात्रा थी टीकमगढ़ में, वो अपने श्रद्धा के ऊपर होता है, उनके मन में गलत भावना है तो गलत भावना वाले को अगर तुम उनके दर पे आओगे तो वो भी सुधरेंगे। वो दर पे रहते हैं, वो उनके उनके मंच पे रहते, छोटा भाई है, नीलम शास्त्री जी का भाई है छोटा, उनके दिल में उनकी भावना भरी है, हमारे भावना, हमारा दिल हमसे जुड़ा है, उनका दिल उनसे जुड़ा है। नाम बताइए, नाम क्या बताया था आपने? हमारा हमारा इंद्रवाला नाम है, इंद्रवाला। अरे वाह इंद्रवाला जी, बताइए इंद्र के परिवार से नाम, इंद्र के नाम से जुड़ा आ रहा है इंद्रवाला जी। जब अगर चमत्कार है, वही बार बार सवाल रहेगा, जब चमत्कार है इनकी समस्या सुलझ रही है, तो आप भाई की क्यों नहीं सुलझ रही है? वही तो हम बता दिया, वही विभीषण जैसा हाल हो रहा है, ये बहुत सही उनका उनका मतलब रावण ने जो काम किया वही उनके भाई कर रहे हैं, है कि नहीं? और राम वो विभीषण उनके साथ जुड़ गए थे तो वो तर गए, अब वो जुड़ना ही नहीं चाहते, मान लो दिखावे के लिए आ रहा है उनके पास, लेकिन तन से तो नहीं आ रहा, मन से तो नहीं, वो तन से भी आ रहे, वो मन से भी आ रहे, वो पावर से भी आ रहे इस चीज में, मुझे लगता है आप नहीं नहीं आप अभी जुड़ी हैं, सोनी जी पुरानी जुड़ी हैं, वो मंचों पे दिखते हैं, सोनी जी नहीं दिखते हैं मंचों पे, देखते हैं, देखते क्यों नहीं है, उनके काम संभालते हैं, काम संभालते हैं सिर्फ दिखावा के लिए, लेकिन मन से नहीं संभाल रहे। देखिए अब यहाँ पर आपको दो परिभाषाएं मिल रही हैं, इस तरफ भक्त बैठे हैं, इस तरफ अंध भक्त बैठे हैं, इंद्र बालाजी शास्त्री जी की बहुत बड़ी भक्त लग रही है, मुझे लगता है शास्त्री जी वीडियो देखेंगे तो इनकी अर्जी सबसे पहले स्वीकार की जाएगी। हाँ पांडवघर भी है, यहाँ तो मन पे आए थे ललितपुर में, वो 5,000 रुपए लेते थे अच्छे बनाने के। अच्छा लेखपाल जी आप क्या कहीं इसमें फंसे, इस वजह से अर्जी लगाने आए? नहीं है ऐसा, भगवान ने बुलाया आ गए, भगवान ने बुलाया। कुछ दिन पहले आए थे तो देखा था कि एक बड़े कीलों में लेट लेट के आ रहे हैं, कीलों में लेट के आ रहे हैं, कीलों में लेट के आ रहे हैं, और वो श्रद्धा कही है, हाँ साथ आ रहे हैं, तो कीलों के पटे में लेट लेट के आ रहे थे, तो शरीर में खून नहीं चल चला रहा था उनके, कुछ नहीं हुआ था, उनकी भाव थी ऐसी की भाव ना कि हम दर्शन करने जाएंगे तो भगवान ने बुलाया उन्हें। तो बब्बा को मानते हैं, बब्बा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, छोटे से जी जिंदगी हुए इनकी, बब्बा की सेवा करते करते कभी भी मंगल नहीं छूटता। बहुत बढ़िया, आपके माथे पर बिंदी दिख रही है, उनके माथे पर बिंदा दिख रहा है, कहीं भी हो दर्शन करने जरूर जाए, कहीं भी हो जंगल में भी हो, लेकिन मंगल नहीं छूटेगा उनका। हमारे यहाँ भी 20 साल हो गए एक लेडीज के बच्चे नहीं हुए थे, और हर जगह दिखा लिया था उन्हें, यहाँ उन्हें 11 यानी 21 अर्जी की बोले थे, 21 करेंगे, 11 उनकी अर्जी हुई है मंगल, और 12वें को उनको आराम लगा, 12वें को आराम लग गया, हाँ 12वें को आराम। क्या नाम है उनका? उनसे अगर नंबर ऑफ फोन लगाए उनसे बात करते हैं हम, अब यहाँ की नहीं है, वो बाहर के हैं, नंबर नहीं है उनका, नंबर नहीं है हमारे पास, तो बात कैसे होती, कैसे पता लगा आपको कि आराम हो गया? मिल गई थी वो से एक मंगलवार, सुना है आपने? नहीं मिली थी एक बार मंगलवार को, आमने सामने बात हुई थी, आमने सामने बात बताने लगे वो, इसलिए नहीं यही मिली थी, यहीं पे मिले थे इसलिए बात हुई थी, हमारा तो पहली बार है ना यहाँ पे आना, आपका पहली बार है, आपसे बस यही अपील है कि भक्त बने लेकिन अंधभक्त ना बने, जो चीज तर्क नहीं, इंद्रवाला जी आप बस ना कहिए, आप पहले समझिए उसको, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की, लेखपाल जी आप इंद्रवाला जी को समझाएंगे नहीं समझाएंगे? देखिए इनका हम तो कुछ कह नहीं रहे, देखिए आपके पति देव भी ये सारा कर रहे हैं, जब हमने भावना है हमें क्यों गलत तो है नहीं, हम घर में आप ही की चलती है, बताइए आप आ गई तो लेखपाल जी खींचे चले आए, तो चलिए आप सब लेखपाल जी से हमने नहीं कहा, पूछ सकते आप बड़ी बताइए, वो बात सही है, जहाँ गृह मंत्री है तो पीछे पीछे छोटे मोटे मंत्री में तो आना पड़ता है। नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है, और कुछ कहें अपने जो यहाँ के मेहमान हैं, यात्री हैं, और जो यहाँ पर आए हैं बागेश्वर धाम में, उनसे बात करें, उससे पहले एक डिस्क्लेमर जो है आपको देते हैं कि भक्त होना सही है लेकिन अंधभक्त होना बहुत गलत है, अंधभक्त ना हो,
तर्क करते रहें, चीज़ें समझते रहें, उसके बाद फिर अगर आपकी आस्था विश्वास है तो चीज़ें मानते रहें, करते रहें। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता गैराज में। क्या नाम है आपका? हमारा अर्चना सोनी। अर्चना सोनी जी, आपने बताया ललितपुर जिले से हैं। आप लोग ललितपुर जिले वाले हैं, आप लोग जालौन जिले वाले हैं। हाँ। और लेखपाल जी का ट्रांसफर हो गया है ललितपुर में, तो फिर लेखपाल जी ललितपुर आ गए। हाँ। तो चारों लोग साथ ही में आए हैं, हमारे मकान में रहते हैं। आप ही के मकान में रहते हैं, तो आप इन्हें लेके आए हैं या ये आपको? हम लेके आए। आप लेके आए हैं, मतलब लगभग एक डेढ़ साल से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं। एक डेढ़ साल हो गया हमें आने से। तो आप जैसे हम बात कर रहे थे कि वक्त होना सही है लेकिन अनवक्त होना गलत है, बहुत सारे लोग देखते हैं हम जो बिना चप्पल के आते हैं, चप्पल के पैदल आते हैं कई कई किलोमीटर से, परकम्मा भी देके आते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले आए थे तो देखा था कि एक बड़े किलो में लेट लेट के आ रहे हैं, किलो में लेट के आ रहे हैं, किलो में लेट के आ रहे हैं, किलो के पटे में लेट लेट के आ रहे थे। तो शरीर में खून नहीं चल चला रहा था उनके? कुछ नहीं हुआ था, उनकी भाव थी ऐसी की भाव ना कि हम दर्शन करने जाएंगे तो भगवान ने बुलाया उन्हें। हाँ, उसी हिसाब से आए उनको, मतलब जो उन्हें श्रद्धा थी कि हम इस तरह जाएंगे उनके पास, भगवान के पास उनके दर्शन करेंगे, उसी हिसाब से वो किलो का पट्टा बनाया था, उसी के ऊपर लेट लेट के आ रहे थे। लेखपाल जी कह रहे हैं भीष्म पितामह भी एरो जो तीर थे उन पे लेटे रहे थे। हाँ। तो उन्हें भीष्म पितामह जी को भी खून तो निकला होगा, क्यों लेखपाल जी? हाँ, तो ऊपर वाला जाने कहाँ निकला कहाँ सही बात। आप केवल इतना जानते हैं कि तीरों पे लेटे, तीरों पे लेटे थे। सही बात, अपनी अपनी शक्ति, आप भी शक्ति, हम भी शक्तिमान, सभी लोग शक्तिमान। अभी मुश्किल से तीसरे मंगल की बात है। तीसरे मंगल किलो वाला देखा है आपने? और कुछ देखा? कई लोग तो हमने देखा है कि कई लोग लेटते लेटते परिक्रमा करते करते आ रहे हैं, ऐसे बहुत से भक्त हैं ऐसे, लेकिन बहुत लोगों के काम बने हैं, बन रहे हैं। और सारी चीजें जो लेखपाल जी, आप क्या कहीं कहीं इसमें फंसे, इस वजह से अर्जी लगाने आए? नहीं है, भगवान ने बुलाया आ गए, भगवान ने बुलाया आ गए, मतलब लेखपाल जी ये सब नहीं करते हैं। पूछा इनको हमने, हम तो पूछा कि आप चल रहे हो या हमको जा रही हैं अर्चना जी, तो हम भी जा रहे हैं, तो इनने कहा अगर आपको जाना है तो जा सकते हो, ठीक है। इनका सुबह भी कोई वो नहीं था, जब एकदम इनने जब बोले तुम जल्दी से नहाओ तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कर हाँ इनका भी भाव होने कर, भगवान इनको अपना दर्शन देने के लिए कर रहे हैं, तो इन्हें तुरंत अपना अटेंड मना लिया, आधे घंटे के तैयार हो गए। टीकमगढ़ में अभी दरबार लगा था, वहाँ गए थे, वहाँ से इनकी भावना जागी कि हम भी जाएंगे धाम पे। अच्छा, तो वहाँ क्या दिखा आपको टीकमगढ़ के दरबार में? टीकमगढ़ में सर वहाँ दिखा ये कि हमें तो जो आस्था थी भगवान के दर्शन करना किसी देव के रूप में, बाबा जी के साक्षात दर्शन हो गए, वही हमारी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी। लेकिन कुछ लोगों की अर्जियां जो लगी थी तो कुछ लोगों ने देखा बताया कि वो फलाने आ रहे फलाने, हमें तो दसियों हजार की भीड़ में सबका नंबर नहीं आता, तो उसमें हमने देखा कि कोई लोग लेके गया एक लड़की को, तो एक उसकी लड़की बड़ी थी 12-14 साल की। अच्छा, लेकिन चला के दिखा दिया तो ये लगा। अच्छा, पहले लड़की चल नहीं रही थी, आगे ले गए थे गोदी में वहाँ पे, लेकिन जब स्टेज पे दिखाया चला के। एक बात और है लेखपाल जी, एक आपने शायद राजस्थान वाले वीडियो देखे हो, एक काली कमली वाले बाबा भी है पीछे बहुत प्रचलित हुए, अच्छा देखे होंगे आपने, बहुत चले उनके भी देखते हैं चलाते कुछ हैं। नहीं होता है बच्चों। हाँ। चल नहीं पाते हैं और वो एकदम चलने लगते हैं, उसमें जब बाद में पड़ताल करेगी तो पता चला कि इमोशन में आके और एकदम से जब कोई इंथुजियाज या जोश दिखाता है तो हो सकता है व्यक्ति आके खड़ा हो जाए उसके बाद, लेकिन जब बहुत सारे न्यूज चैनल ने उनकी पड़ताल करी तो सही नहीं निकले, मतलब बच्चों को एट अ इंस्टेंट सही हो गए, उसके बाद फिर वैसा नहीं हुआ, नहीं चल पाए। उनके पास लिए जाओ तो वो हाथ पैर भी ठोकते हैं और पीछे मारते भी है, तब एकदम खड़े हो जाते बाद में। काफी मानती हैं क्योंकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उनको नहीं मानते, लेकिन धीरेन शास्त्री को मानती हैं, इनको मानते हैं और हनुमान जी को मानती हैं, धीरेन शास्त्री को मानती हैं, हम तो बब्बा को मानते हैं, बब्बा को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, छोटे से जी जिंदगी हुए इनकी बब्बा की सेवा करते, कभी भी मंगल नहीं छूटता। बहुत बढ़िया, आपके माथे पर बिंदी दिख रही है, उनके माथे पर बिंदा दिख रहा है। कहीं भी हो दर्शन करने जरूर जाएं, कहीं भी हो जंगल में भी हो, लेकिन मंगल नहीं छूटेगा उनका, हर मंगल को दर्शन करते हैं। तो उम्मीद है आपका जो आपकी विश्वास है आपका, आपकी जो आस्था है, आप जो लेकर आई हैं वो जरूर पूर्ण करेंगे, जो हनुमान जी हैं वो पूर्ण करेंगे, करेंगे जब उनके हम दर पे आए हैं तो जरूर करेंगे। वही बताइए, धीरेन शास्त्री की बात उठती है जब तो सुहानी साहब भी, आप लोग शायद लेखपाल जी वीडियो देखते हो, सुहानी साहब भी वो भी सब कुछ बता देती है। नहीं, उनके मुकाबले जी नहीं है। अरे जे उनके मुकाबले नहीं है, वो ज्यादा बड़ी है। नहीं, जी बड़े हैं, वो नहीं। कैसे बड़े हैं आप समझा दीजिएगा,
इनकी बहुत सी यानी हमने देखी है मन की श्रद्धा से करते हैं, वो मन की श्रद्धा से नहीं करते, वो तो अभी ऊपर जो लिखा पड़ी या उनका जो वो है संदेश है वो देख के करते हैं माइंड रीडर। हाँ, लेकिन इनको जो अपनी श्रद्धा से करते हैं कोई वो नहीं है इनके, विचार नहीं है इनका कोई, वो विचार सोच के समझ के जब बताते हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो भी ऐसा बता देती है, वो तो ऐसे कर देती है, पर्ची उसने लिखी, आप मोबाइल लिए अपना कुछ भी करते ना, कैलकुलेट जब वो रोकेगी तब आपको रुकना है, पहले से पर्ची लिख देगी वही निकलेगा, वही तो मैंडेट होता है, समझना। शास्त्री जी कैसे अलग है फिर उनसे, वही तो शास्त्री जी करते हैं, भगवान का वो है सबसे, हनुमान जी का। जब तक वो नहीं कहते जब तक वो कुछ नहीं लगे, चाहे 1000 पर्ची लग जाए जब तक वो आदेश नहीं देगी, जब तक वो पर्चा नहीं देंगे किसी को कोई भी, मतलब क्या वो पांच ही पर्ची निकले, निकले पांच पर्ची निकले। हाँ। तो आपकी पूरी मतलब आप मानते हैं कि धीरेन शास्त्री जो कहते हैं लिखते वो होता है, होता है। तो मतलब धीरेन शास्त्री चमत्कारी हो गए फिर। हमारे यहाँ भी 20 साल हो गए एक लेडीज के बच्चे नहीं हुए थे और हर जगह दिखा लिया था उन्हें, यहाँ उन्हें 11 यानी 21 अर्जी की बोले थे, 21 करेंगे, 11 उनकी अर्जी हुई है मंगल, और 12वें को उनको आराम लगता है। 12वीं को आराम लग गया। हाँ, 12वीं को आराम। क्या नाम है उनका, उनसे अगर नंबर और फोन लगाए उनसे बात करते हैं हम। अब यहाँ की नहीं है, वो बाहर के हैं। नंबर नहीं है उनका? नहीं, नंबर नहीं है हमारे पास। तो बात कैसे होती है, कैसे पता लगा आपको कि आराम हो गया? गई थी वो से मंगलवार, सुना है आपने? नहीं, मिली थी एक बार मंगलवार को, आमने सामने बात हुई थी, आमने सामने बात बताने लगी वो, इसलिए नहीं यही मिली थी, यही पे मिली थी इसलिए बात हुई थी। हमारा तो पहली बार है ना यहाँ पे आना। आपका पहली बार है? हमारा पहली बार है, टीकमगढ़ जब दो बार हो जाए पर यहाँ पे अब पहली बार आया है। चलिए बढ़िया। तो हाँ उदय जी का भी कुछ सवाल है। हाँ उदय जी, पंडोखर स्थान को जानते हैं क्या? हाँ, पंडोखर भी है, यहाँ तुमन पे आए थे ललितपुर में, वो 5000 रुपए लेते थे पर्चे बनाने के। अच्छा। हाँ, रसीद कटती थी। इनके यहाँ ये नहीं है, इनके यहाँ ये नहीं। लेकिन मुझे एक चीज और समझ नहीं आती है, जैसे सब लोगों ने कह दिया देश भर ने या जो आस्था में भरोसा करते हैं कि धीरेन शास्त्री चमत्कारी हैं, ये बागेश्वर वाले हो गए, अब एक और दुकान खोली थी नागेश्वर जी ने, नागेश्वर के बारे सुना है आपने? नागेश्वर धाम बना दिया उन्होंने, ब्रह्मेश्वर थे बताइए, जगह जगह दुकान खुल रही है। अगर अगर शक्ति है या हनुमान जी का आशीर्वाद है तो एक जगह होना चाहिए, ये तो वही वाली बात होगी जो सुहानी शाह के साथ था। ऐसे तो कई लोग हो जाए, अब हो रहे हैं ना, और हो रहे हैं, और हम काम कर रहे हैं तो वो कह रहे हम भी तो कर लेंगे, इसमें क्या बात। बिल्कुल। अब एक और कहानी हम आपको बता दें, एक टीकमगढ़ की बिटिया है। हाँ। जिसके पास हम गए थे, जैसे धीरेन शास्त्री बता देते वैसे भी बिटिया बता देती है। धीरेन शास्त्री आंखों से देखते हैं, वो पट्टी बांध लेती है, आकाशी व्यास उसका नाम है, टीकमगढ़ के पंडित जी उनकी बिटिया है। और जब हमने उससे पूछा और बिटिया से पूछा, उनकी फैमिली से पूछा, हमने कहा कैसे संभव, ये तो चमत्कार है एक प्रकार से। तो नहीं, ये चमत्कार नहीं, बोले विज्ञान है, बोले कोर्स होता है, एक हमारी बिटिया ने कोर्स किया है, बोले जो भी कोर्स कर ले वो ये कर लेगा। ओ जैसे नागेश्वर हैं, बागेश्वर हैं, बागेश्वर तो ठीक है, आप आपका विश्वास है ठीक है, मान लिया हम उसकी आपकी आस्था खंडन नहीं करेंगे, लेकिन जो नागेश्वर आ रहे हैं आपने बताया ब्रह्मेश्वर, सर जगह जगह का महत्व होता है, वो अपने जगह से उनने नागेश्वर प्रकट कर दिया है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, अपने जैसे भगवान है तो वो अपने अयोध्या में वो कृष्ण भगवान। नहीं, हमारा सवाल ये है, आपने कह दिया चमत्कार इनके पास है ठीक है, तो फिर धीरेन शास्त्री जी अपने चमत्कार से जितने भी थाने हैं, जितनी पुलिस चौकियां हैं, जितने भी आविष्कार हम लोग कर रहे हैं, सब जगह धीरेन शास्त्री चमत्कार करता, अपना देश तो पता नहीं कहाँ जाए, बताइए सोनी जी। तो नहीं, आप एक काम करिएगा फिर, अब अगर आपकी अर्जी लगती है, आपकी लगती है तो ये चीज जरूर कहिएगा कि बाबा जी आप अपना चमत्कार दिखाइए, हर एक थाने में जो फाइल पेंडिंग पड़ी है या जजों की कुर्सियों में फाइल पेंडिंग पड़ी है वो केस आप सॉल्व करवा दीजिए। देखो अगर अगर सत्ता पे होगी तो वो भी होगा, पक्का होगा, अगर सत्यता पे है, अगर झूठ है तो वो झूठ। अब एक चीज और है, यहाँ आपने सत्यता की बात करी, पिछले दिनों की बात, चूंकि आप यहाँ से नहीं है, गढ़ा वाले तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग हैं वो बहुत बोल रहे हैं, सबने बोला है, अभी विवाद हुआ था, जो धीरेन शास्त्री के भाई हैं छोटे उनके हाथ में कट्टा था और लहरा रहे थे वो, उस पर क्या कहना, शास्त्री चमत्कार करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको सही करते हैं, दलित लड़की की शादी थी, पिस्टल फायर किए थे, अब बताइए अगर सबकी समस्या सुन रहे हैं अपने भाई को भी बदल लेते, बदनामी ना होती। जब कलश यात्रा थी टीकमगढ़ में, वो अपने श्रद्धा के ऊपर होता है, उनके मन में गलत भावना है तो गलत भावना वाले को अगर तुम उनके दर पे आओगे तो वो भी सुधरेंगे, वो दर पे रहते हैं, वो उनके उनके मंच पे रहते, छोटा भाई है धीरेन शास्त्री जी का,
भाई है छोटा, उनके दिल में उनकी भावना भरी है, हमारे भावना हमारा दिल, हमसे जुड़ा है उनका दिल उनसे जुड़ा है। पांच उंगली एक सी नहीं होती, पांच नहीं नहीं वो अलग बात है। आप एक बार फिर से सोचिएगा इस चीज को हम क्या कह रहे हैं। जब वो दुनिया भर के भले ही भावना हजार लोग आते हैं, 50,000 लोग आते हैं, जरूर सबकी भावना बिल्कुल इनके प्रति हो, लेकिन अब उनका भाई है इतना चमत्कार, जब उनके पास चमत्कार है बालाजी का आशीर्वाद, इतना तो कर ही सकते हैं, कम से कम भाई की तो छुड़वा दें, दुनिया की छोड़ दें। हाँ तो छुड़वा तो दिया उन्हें नहीं हम जेल से छुड़वाने की बात नहीं करें, हम दारू छुड़वाने की बात करें। जी बात मानी आपकी, मान रही है इस बात को, इस बात को मानते हैं आपकी। सोने ये तुरंत बोली छुड़वा दिया, तो ये सही बात है कि कोई अपराध करता है वो एक दिन में सुबह उसकी मतलब तारी शाम को बेल हो जाए उसकी, गलत है नहीं है जी? गलत है, हमने लोगों से बात करी, उनको सुनवाना चाहिए। लोग बोले धीरेन शास्त्री तो सही है, लेकिन उनके जो भाई है वो गड़बड़ है, और भाइयों के बारे में भी बोला उनने, तो ये चीज गड़बड़ है। अगर धीरेन शास्त्री जी वास्तव में चमत्कार है, उनको भी बदल दें, क्यों अपनी भी उनकी भी बदनामी हो रही है। आप लोग आस्थावान हैं, आप लोग धीरेन शास्त्री को मान रहे हैं, उनके छोटे भाई ऐसा करेंगे तो आपके ही मन में जाएगा यार कि जब छोटा भाई ऐसा कर रहा है तो बड़े भी ऐसे होंगे, बड़े भी ऐसे होंगे, लेकिन उनकी ढकी है अभी, थोड़ा बहुत फील तो होता ही है उनके पास चमत्कार। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपकी अर्जी लगती है तो अपना ये बाद में आप अपना जो समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। अब विभीषण की तरह हो गया हो, उसके तरह वो कैसे अकेले थे? अब रावण ने इतने बड़े कांड किए और सीता जी को हरा, उन्होंने भी राम से विरोध किया और जाके विभीषण उनसे मिल गया, उनका उद्धार हो गया और रावण नहीं मिला तो उनको अंत हो गया। ऐसा है नहीं, वो कहानी तो अच्छी है, वो कहानी तो अच्छी है। जब चमत्कार से, जब चमत्कार से आप नाम बताइएगा, नाम क्या बताया था आपने? हमारा इंद्रवाला नाम है, इंद्रवाला। अरे वाह इंद्रवाला जी, बताइए इंद्र के परिवार से नाम, इंद्र के नाम से जुड़ा आ रहा है इंद्रवाला जी। जब अगर चमत्कार है, वही बार बार सवाल रहेगा, जब चमत्कार है इनकी समस्या सुलझ रही है, तो आप भाई की क्यों नहीं सुलझ रही है? वही तो हम बता दिया भाई, विभीषण जैसा हाल हो रहा है, बहुत सही उनका उनका मतलब रावण ने जो काम किया वही उनके भाई कर रहे हैं, है नहीं? और राम वो विभीषण उनके साथ जुड़ गए थे तो वो तर गए, अब वो जुड़ना ही नहीं चाहते। मान लो दिखावे के लिए आ रहा है उनके पास, लेकिन तन से तो नहीं आ रहा, मन से तो नहीं रहा है। वो तन से भी आ रहे, वो मन से भी आ रहे, वो पावर से भी आ रहे, इस चीज में मुझे लगता है आप नहीं नहीं आप अभी जुड़ी है, सोनी जी पुरानी जुड़ी है, वो मंचों पे दिखते हैं, सोनी जी नहीं दिखते हैं मंचों पे, दिखते हैं दिखते पे वो नहीं है, उनके काम संभालते हैं, मुझे लगता है शास्त्री जी वीडियो देखेंगे तो इनकी अर्जी सबसे पहले स्वीकार की जाएगी। लेकिन मजा लगा आपसे बात करके और सोनी जी से बात करके, उम्मीद है जिनको आप मानती है भगवान जी को मानती है, उम्मीद है आपकी सब समस्याएं दूर हों और आपका जो समस्या है उसका समाधान हो, आप जिस चीज की मनोकामना लेके यहाँ पर आई है वो सब पूरी हो। और जनता का राज चैनल का नाम है, अगर आपको समय मिलता है तो देखती रहें, हम सच्चाई दिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल बुरा बुरा, जो अच्छाई यहाँ पर है उनकी, रोजगार जो खड़े किए हैं वो भी हमने दिखाएगी, कितने सारे लोगों के रोजगार हो गए हैं। तो लोग कहते हैं क्या भक्ति जाती वहाँ तक और कुछ नहीं है, नहीं नहीं हमने हमारे भाव है, हम जाते हैं, हमें आशा लगी है कि हमें आराम मिलेगा, बिल्कुल सबसे बड़ा विश्वास होता है, सबसे बड़ी आस्था होती है। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर मन से जाएंगे तो किसी किसी का डॉक्टर का हाथ ऐसा हो तो पकड़ने से ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, हमने देखा है उसका अनुभव भी है। एक बहुत बड़े दिल्ली बम्बई और एम्स चले जाओ, अगर आपके मन में नहीं है तो आप ठीक नहीं होंगे। बहुत बढ़िया, कोई भी डॉक्टर के पास घूमा, सांप बड़ा था एक बार, तो उसको बोला था कि बोलो सांप ने काट लिया, काटा था चूहा ने, ये साइकोलॉजी के सही कर रहे हैं लेखपाल जी, बिल्कुल। विज्ञान भी मानता, विज्ञान ना मानता हो तो आपने विज्ञान टंगा कहाँ, बनाया किसने, किसने जीव बनाया, कैसे आया, क्या हुआ, बिल्कुल ईश्वर है, गॉड है, कहीं ना कहीं किसी रूप में है, बिल्कुल। लेकिन सारे लोग मानते हैं, पूरा देश, दुनिया, बस सबसे आपसे बस यही अपील है कि भक्त बने लेकिन अंधभक्त ना बने। हाँ। जो चीज तर्क नहीं, इंद्रवाला जी आप बस ना कहिए, आप मेरे समझिए उसको, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप समझने की। लेखपाल जी आप इंद्रवाला जी को समझाएंगे नहीं समझाएंगे? देखिए इनका हम तो कुछ कह नहीं रहे, देखिए आपके पति देव भी ये सारा कर रहे हैं, जब हमने भावना है, हमें गलत तो है नहीं, हम घर में आप ही की चलती है, बताइए आप आ गई तो लेखपाल जी खींचे चले आए, तो चलिए आप सब से हमने नहीं कहा, पूछ सकते हैं आप, सामने बड़ी बताइए वो बात सही है, जब
जहाँ गृह मंत्री है तो पीछे पीछे छोटे मोटे मंत्रियों को तो आना पड़ता है। तो चलिए, आप सब जनता का राज देख रहे थे, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा डॉक्टर वो होता है जो दवा के साथ दुआ भी परोसता है। तो जो आस्था जिनकी है ठीक है, फिर भी हम कहेंगे तर्क करते रहें और भक्त बने लेकिन अंधभक्त ना बने। बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी आपका, और आपका भी इंद्रवाला जी, आप सभी का और हमारी ऑडियंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद।